इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है। सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई, ये जानकारी मिल रही है। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। इसके अलावा डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए। यूपी उपचुनाव को लेकर बैठक में अहम चर्चा हुई है। प्रत्याशियों के चयन, क्षेत्रीय समीकरण पर भी चर्चा की गई है। तो जो बैठक चल रही थी सीएम आवास पर, जानकारी ये मिल रही है कि वो अब खत्म हो गई है। आवास पर चल रही बड़ी और अहम बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक से अब से कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निकले हैं। बैठक की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ साथ कई और लोग शामिल थे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई थी। प्रत्याशियों का चयन कैसे किया जाए, प्रत्याशियों का धरातल पर जनता के बीच सामंजस्य कैसा है, जातिगत समीकरण क्या है, उन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, ताकि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि जो भी पार्टी इस उपचुनाव में बेहतर परिणाम लाने का काम करेगी, 2027 में सीधा फायदा उसको मिलेगा। कहीं ना कहीं उपचुनाव को उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है कि जो पार्टी यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी 2027 में, उतना ही फायदा उस पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से दमखम लगाए हुए है। हालांकि 2022 में जब उपचुनाव हुए थे उस समय की अगर हम बात करें तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 3 भारतीय जनता पार्टी और 1 निषाद समाज पार्टी और 1 RLD के खाते में थी। तो ऐसे में 10 सीटों का समीकरण है जहां पर दोनों तरफ से 5-5 का समीकरण बैठ रहा था। उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बड़ी और अहम बैठक बुलाई है और बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बैठक समाप्त हो गई है और बैठक समाप्त होने के बाद जो पदाधिकारी बैठक में मौजूद थे वो निकल गए हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी नीलेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीलेश, फिलहाल क्या अपडेट, वहां से बैठक खत्म हो गई है, क्या कहा जा रहा है कि कौन कौन से वो अहम मुद्दे थे, क्योंकि यूपी में उपचुनाव होना है, इसको लेकर भी चर्चा की गई? देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी और अहम बैठक बुलाई थी। बैठक में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल के साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर चर्चा होनी है उसको कहीं ना कहीं 10 में से 10 सीटें जीतने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहेगा, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है, यानी कि उपचुनाव में जो पार्टी बढ़त बनाएगी 2027 में सीधा फायदा उसको मिलेगा। हाल फिलहाल में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, जो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में थी, कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम संगठन ने नहीं किया। उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए इस बार जो है उपचुनाव को लेकर लगातार संगठन की तरफ से बैठकें की जा रही हैं, पदाधिकारियों के साथ मंथन किया जा रहा है कि प्रत्याशियों की सूची तैयार की जाए और सूची ऐसी हो जो प्रत्याशी जनता के बीच में अपनी साफ सुथरी छवि रखते हों, क्षेत्रीय समीकरण में सटीक बैठते हों, जातीय समीकरण में सटीक बैठते हों और आपराधिक प्रवृत्ति के ना हों। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बैठक में चर्चा की गई है, ताकि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतों से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हों उनको विजयी बनाया जा सके। कहीं ना कहीं 2022 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान के अगर हम समीकरण को देखें, जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में थी और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में थी, जिसमें से 2 सहयोगी दल निषाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पास 1-1 सीट थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उम्मीदें हैं कि 10 में से कम 7-8 सीटें जीता जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के संगठन को मजबूत किया जा सके। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा की है कि कैसे इन सीटों पर जो है बेहतर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाएगा, एक एक वोटर को बूथ तक कैसे ले जाया जाएगा, उन तमाम चीजों को धरातल पर किस तरीके से लागू किया जाएगा, उन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर अहम बैठक की गई है। और बैठक में साफ तौर पर ये दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जो विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कोई खामी ना
देखने को मिले, प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और बूथ स्तर पर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी का प्रचार करे। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही है, केंद्र सरकार की योजनाएं जो जनता के लिए चलाई जा रही है, उनको जनहित जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में करीब एक घंटे तक बैठक चली भी करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में लोकसभा के चुनाव हुए और उसमें हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। हालांकि बीजेपी को डेंट इस चुनाव में लगा है, लेकिन अब ऐसे में जो कमियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, उनको दूर करना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि कैसे भी उस पर काम किया जाए। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी की तरफ से चैलेंज दिया गया था, जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसको लेकर भी इस बैठक में जाहिर सी बातें बात की गई होगी। देखिए बिल्कुल, अगर हम 2024 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया था कि आरक्षण को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, विपक्ष के इस प्रचार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता संगठन में मंत्री थे उसको जो है जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे थे। उसका नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही थी कि 80 में से 70 सीटें वो जीतेंगे और वो कहीं ना कहीं जीत नहीं पाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो विपक्ष मुद्दा उठाएगा उस मुद्दे को खंडन करके कैसे जनता तक पहुंचाया जाए कि वास्तविक परिस्थितियां क्या हैं, वास्तविक चीज़ें क्या हैं, जनता तक सही जानकारी कैसे पहुंचाई जाए। उन तमाम मुद्दों पर विशेष तौर पर जो है संगठन के लोगों को दिशा निर्देश जारी किए गए, खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो सरकार के संदेश हैं, संगठन के जो संदेश हैं, विधानसभा में सरकार की तरफ से क्या काम किए गए हैं, उस विधानसभा सीट पर प्रत्याशी को किस तरीके से उतारा जाएगा, उन तमाम बिंदुओं पर पड़ताल करने के साथ साथ जमीनी स्तर पर प्रत्याशी कितना लोकप्रिय है, जनता के बीच में उसकी पकड़ कितनी है, जनता उनको कितना मानती है, क्या जनता प्रत्याशी के समर्थन में वोट करेगी, उन तमाम बिंदुओं पर कई लेयर में अगर हम बात करें तो जाँच पड़ताल हुई है, उसके बाद ही प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी। हालांकि किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश में आचार संहिता की घोषणा हो सकती है कि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस बार उपचुनाव की सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है ताकि विपक्ष को एक करारा जवाब दिया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में होती है तो जनहित के लिए काम करती है, जनता की समस्याओं का निराकरण उसकी प्राथमिकता होती है। तो ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मत हासिल करना चाहती है ताकि उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाया जा सके। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जब उपचुनाव होते हैं तो सत्ताधारी पार्टी को उसका फायदा मिलता है, कितना फायदा इस बार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, देखने वाली बात होगी जब चुनाव होंगे, उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन निलेश मुझे एक चीज और बताइए, क्योंकि देखिए हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं, कल रिजल्ट आना है और जब कल रिजल्ट आएगा तो जाहिर सी बात है जो भी परिणाम होंगे उनका सीधा सीधा असर उन राज्यों पर भी पड़ेगा जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 ऐसी सीटें हैं जिनका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं जिन पर उपचुनाव होना है, तो क्या इसके बाद भी बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में कोई बदलाव कर सकती है या जो समीकरण है वो उसके हिसाब से आगे तय किए जाएंगे?